के शहर दुबई मरीना में अब्राह यॉट पर रुकन अल-बदाया इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से शाहिद इमरान और साइमा आमिर, शहनाज खानिम और उसकी टीम ने वैलेंटाइन डे की मुनासिबत से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें दुबई के मारूफ टिकटॉकर्स, फिल्म स्टार और टीवी से मुंसलिक अफराद के अलावा बिजनेस कम्युनिटी और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी हिज एक्सीलेंसी जनाब हुज़ैफ़ा, जनाब मियां मुनीर हंस साहब, जनाब असम सरकानी, जनाब अजीम डार साहब थे। प्रोग्राम की कंपेयरिंग के फ़राइज़ दुबई के मारूफ आरजे कैसर जट साहब और बिशारत खान ने अदा किए। नहीं नहीं नहीं, अच्छाइयां तो आज दिन है, मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज जिससे आपको गुस्सा आता है किसी भी चीज पे। प्रोग्राम में नामवर शख्सियात और सोशल वर्कर को हसीन कारकर्दगी के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और शायकीन से दाद वसूल की। वैलेंटाइन डे की मुनासबत से मुनकता तकरीब के हवाले से हाजरीन ने कहा, तो इस वक्त हमारे साथ साइमा आमिर मौजूद हैं जो कि आज के वैलेंटाइन डे इवेंट की ऑर्गेनाइजर हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। साइमा, इसके हवाले से क्या कहेंगे आज के कामयाब इवेंट करने के हवाले से? मैंने कोशिश की, बस ये मुझे नहीं पता आप लोग कितना मतलब इससे सेटिस्फाइड हुए। बहरहाल मैंने कोशिश की और मैं आगे मज़ीद कोशिश करूँगी कि मैं इससे बेहतर परफॉर्म आप लोगों के लिए कर सकूँ। अच्छा, आपने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और वी आर द विटनेस मीडिया और सब लोग एक इतना जितनी ऑडियंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा ऑडियंस हमने देखी, तो इस किस्म के इवेंट्स करने में क्या हर्डल्स आते हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, बताएंगी कुछ? एक्चुअली देखिए, लोग इस बात को नहीं रियलाइज़ करते कि हम जो है उनके एंटरटेनमेंट के लिए कितना एफ़र्ट कर रहे हैं और कितना भी हम जितना एफ़र्ट करें लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं। लोग बहुत लाइट लेते हैं जबकि हमारा बहुत हार्ड वर्क होता है इसमें, और हमें भी जो है बहुत सारी हर्डल्स हैं। एक तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ता है, प्लस ये कि लोगों को कितनी भी एंटरटेनमेंट दे दें लोग कहते हैं कि नहीं अभी कुछ बाकी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूएई के मारूफ आरजे आरजे जज साहब। तो आरजे जज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह असलम भाई, आप बताइए कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एच डी प्लस को टाइम दिया, असलम जावेद को टाइम दिया। एच डी प्लस हमारा अपना चैनल है, असलम जावेद हमारा भाई है और मैं समझता हूँ कि हमारा कोई भी इवेंट एच डी प्लस के बगैर नामुकम्मल है। अच्छा, ये बताएं कि आज वैलेंटाइन डे के हवाले से एक बेहतरीन किस्म का आप लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसमें आपने बेहतरीन किस्म की कंपेयरिंग की और पूरा इवेंट आपने बड़े खूबसूरती से चलाया, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? आई थिंक प्यार करने वालों का दिन है और प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, खुशियाँ बांटो और जिसको मिल गई है वो ले जाओ, जिसको नहीं मिली वो यही बोले वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। अगले साल ट्राई करें। जिसको मिल गई वो कह दी हैप्पी वैलेंटाइन, जिसको नहीं मिली वो ये कह दी वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। जिसको नहीं मिली सही है तो वो अगले साल फिर ट्राई करें। ट्राई करते रहो, बात बन जाएगी, यहाँ ब्लॉक हो जाओगे। अच्छा, ये बताएं कि इस किस्म के जो इवेंट होते हैं हमारी कम्युनिटी जब पार्टिसिपेट करते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि जितने इस तरह के इवेंट्स होते हैं ये आपके जहन को खोलते हैं। अगर हम आप पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो इतना ज़्यादा जब आप इंडिया पाकिस्तान जिसमें शीज़ फ्रॉम यूक्रेन, जब आप डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ उठते बैठते हैं ना तो आपका माइंड ओपन होता है, यानी हमारी मैंटेलिटी बहुत हाई चले जाती है। आप एक्सेप्ट करते हो हर रिलीजन को, हर नेशनैलिटी को, हर कलर को। तो बी ओपन हो और आई थिंक कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, आपको अच्छे से मनाना चाहिए। और जिस तरह दुनिया में नफरत और हर तरफ नफरत फैली हुई है, खुशियाँ बांटें यार, प्यार बांटें। ये बताएं कि आज वैलेंटाइन डे के हवाले से जो मरीना में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत मज़ा आया और दीपक ने आज मुझे प्रपोज भी किया दोबारा से। हमने बहुत इंजॉय किया इवेंट, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा लगता है, सबसे मिल सकते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते रहते हैं आपसे मिलना है करके, हम लोग नहीं मिल पाते हैं। हाँ, सबसे मिल लेते हैं हम। बहुत अच्छा, ये एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सबसे मिला जा सकता है और सबसे कनेक्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा, ऐसे इवेंट होने चाहिए दुबई में और पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, काफ़ी सारी नेशनलिटी, डिफरेंट नेशनलिटी मैं देख रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हर कंट्रीज़ के साथ तजारत में, बिजनेस में, शोबिज़ की लाइफ में हर जगह पे पाकिस्तान नंबर वन अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ देख के बड़ी दिल को खुशी होती है। इट्स अमेजिंग टू सी अ न्यू कल्चर, अ लॉट ऑफ वेलकमिंग पाकिस्तानी पीपल, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड हियर। जी माशाल्लाह, हमने इसको वैलेंटाइंस डे के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, दो दिलों का मिलने के लिए। एक मोहब्बत का दिन होता है जो शाम होती है, एक प्यार के नाम होता है, दो दिलों को मिलने के लिए फ्री बर्ड्स लाइव होती है। और मैं थैंकफुल करना चाहूँगा मैं अपने पार्टनर रितु सिंह का जिन्होंने इस इवेंट को प्रेजेंट किया। एक्चुअली आइडिया इनका ही था
और जस्ट मैंने फॉलो किया और ट्राई किया। माशाल्लाह मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना क्राउड आएगा। अच्छा रितु, आज आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, आपने बहुत अच्छे लग रही हैं एक तो आप, और आज के इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इवेंट बहुत अच्छा लगा ये, और मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना क्राउड रहेगा, और मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही हो गया। और मैं थैंक यू करूँगी मुशारत का कि उसने मेरे इस सुझाव को मतलब फॉलो किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। थैंक यू मुशारत, बहुत अच्छा लगा है। और सैमा जी ने बहुत अच्छा किया है, पहले भी उन्होंने किया था कवाली नाइट और सूफी नाइट, बहुत अच्छा था, हमने इंजॉय किया था। आज जो उन्होंने यार्ड्स में किया है बहुत मज़ा आया, जो कपल हैं उनको भी इंटरटेनमेंट मिला है, हमें भी और सिंगल लोग जो आए हुए उन्होंने भी इंजॉय किया, जैसे मैं सिंगल थी और काफी लोग कपल भी आए हुए थे। नहीं, मैंने ये देखा है कि बाकी जो जो डबल टिबल भी वो भी सिंगल बता रहे थे आपको कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मैं डबल होती तो मुझे भी कोई प्रपोज कर रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, और इसमें सामा अमर साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि एक मजाज से हट कर हम काम करें, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली से होती है और मुर्दा दिल खाकिया करते हैं, तो क्यों ना हम इस प्रोग्राम को किसी होटल में, किसी बार में, किसी कैफ़े में करने के बजाय हम याश में करें और एक क्रूज़ में करें। उससे ये होगा कि पूरी दुनिया में पता लगेगा कि एक खुले माहौल में वैलेंटाइन डे कैसे मनाया जाता है। आई कम टू द स्पेशल, आई ओनली फ्रॉम एयरपोर्ट टू योर अमेजिंग इवेंट, बिकॉज इट्स a marvelous party, amazing, it's very beautiful, very successful people, very good performance. I enjoy this party. Big kiss from Ukraine.